प्रश्न नंबर 3, विस्मय, अभिजीत और कुणाल 3:2:4 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। मैनेजर को उसका कमीशन देने के बाद बढ़ते लाभ का 10% कमीशन देना है। अभिजीत के लाभ में 30,000 का लाभ आता है। मैनेजर के कमीशन की गणना कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं अभिजीत को कितना मिलता है। तो यहाँ पर देखें, 2 दिया है, तो इन सबका टोटल करेंगे 3, 2, 5 और 4, 9, तो यानी कि 2/9। अभिजीत का दूसरा नंबर है, तो इसलिए 2/, यानी ये 2:1 दिया है, ये 2/9 लिखते हैं। 9 कैसे आया, तो इन सबका टोटल किया, तो 2/9 इसका भाग है। करना करते हैं। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से देख सकते हो। और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा सवाल है ये। तो 2/9 लिखते हैं, यानी कि ये किसका भाग है, अभिजीत का भाग। कुल भाग कितना है, तो कुल भाग 1 है। ओके, अब हम यहाँ पर लिखते हैं अभिजीत का लाभ दिया हुआ है, कितना दिया है, 30,000। तो हमको कुल भाग यानी कुल लाभ ज्ञात करते हैं। यहाँ पर भाग की जगह पे आप लाभ भी लिख सकते हैं। तो हम लोग क्रॉस गुणा करेंगे, 30,000 × 1। ओके, तो 30,000 × 1, और ये कहाँ जाएगा, इसके बट्टे में। तो हम यहाँ लिखेंगे 2/9। तो इस तरह से हम लिख नहीं सकते हैं, तो इसलिए क्या लिखेंगे, 30,000 × 1 बराबर, ये भाग में है, तो इसका उल्टा कर देते हैं, तो 9 ऊपर आ जाता है और 2 नीचे आ जाता है। इस तरह से हम लोग क्या कर देते हैं, 2 से भाग दे देते हैं और 9 का गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर आएगा 1,35,000। ये क्या है, वितरण पात्र लाभ, ये हमारा वितरण पात्र लाभ है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर मैनेजर का कमीशन भी निकालेंगे, तो लिखेंगे मैनेजर को वितरण पात्र लाभ का 10% कमीशन, 10% कमीशन ज्ञात करते हैं। तो 1,35,000 × 10/100 लिख देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 13,500 रुपये आ जाता है। अब हम आगे ज्ञात करते हैं, तो हम लोग ज्ञात करते हैं, तीसरा है हमारा यहाँ पर मुद्दा कि लाभ का वितरण निम्न अनुसार होगा, किस तरह से होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे विस्मय को प्राप्त लाभ बराबर 1,35,000 × 3/9 बराबर कितना रुपए आएगा, 45,000। इसी तरह से हम अभिजीत का ज्ञात करते हैं, अभिजीत को प्राप्त लाभ 1,35,000 × 2/9 रुपये 30,000। आप गणना ना करें तो भी चलेगा, कि 30,000 उसको दिया हुआ है। अब यहाँ पर लिखते हैं कुणाल को प्राप्त लाभ बराबर 1,35,000 × 4/9 बराबर रुपये 60,000। इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।